दोस्तों मेरा नाम है जाबिर अंसारी और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, झारखंड होम गार्ड के द्वारा वैकेंसी जारी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म के डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। 10वीं जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है, झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स हिजीराबाद। यहाँ पे दोस्तों जो आपको पोस्ट में मिल जाएगा होम गार्ड की, यहाँ पे वैकेंसी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में दोस्तों हम बात करें, जनवरी 2020 से ये फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से गाइस आपको करना है सबमिट। 30 जनवरी 2020 तक आप इस फॉर्म को करेंगे सबमिट। इस फॉर्म के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे गाइस फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री है। देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल कैटेगरीज। आपको फी जो पेमेंट करना है बिल्कुल फ्री इस फॉर्म को करना है अप्लाई, चाहे आप जनरल या ओबीसी या एससी एसटी, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप आएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो एज यहाँ पे ली जाएगी, 1 जनवरी 2019 से आपका एज लिया जाएगा। मिनिमम यानी कि कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए 19 वर्ष, और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एज होनी चाहिए 40 वर्ष यहाँ पे एज मांगी गई है। टोटल जो दोस्तों यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा 1021 पोस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। पोस्ट नेम जो आपको यहाँ पे मिलेगा होम गार्ड की, आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। पोस्ट वाइज यहाँ पे दोस्तों हम डिटेल्स बात करें तो होम गार्ड रूलर में आपको 804 पोस्ट मिलेगी और अर्बन में यहाँ पे दोस्तों 217 पोस्ट आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से करना है अप्लाई। हु कैन अप्लाई, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई। यहाँ पे जो आपकी दोस्तों सैलरी रहेगी एज पर रूल्स है, जॉब लोकेशन जो रहेगा दोस्तों झारखंड रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये जॉब झारखंड में करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप होम गार्ड रूलर के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास 10वीं का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, झारखंड बोर्ड के द्वारा ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को करेंगे अप्लाई। अगर आप दोस्तों अर्बन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है 7, अगर आप 7वीं क्लास पास हैं तो इस फॉर्म को करेंगे अप्लाई। अगर आप 7वीं क्लास नहीं पास हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को करेंगे अप्लाई। झारखंड बोर्ड के द्वारा ये आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिलेक्शन जो मोड रहेगा दोस्तों, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद होगा सिलेक्शन। गाइस यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन है, आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, ओनली फॉर आपका फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका होगा सिलेक्शन। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। गाइस अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। देख सकते हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का लिंक मिल गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को करेंगे सबमिट। पूरी डिटेल्स जो है दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, ताकि सबको भी पता चले कि ये जो वैकेंसी है जारी हो गई है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। सो गाइस हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। गाइस बाय बाय।